पूरे जिले के साथ जहां दमोह में तेज ठंड का दौर जारी है, वहीं दमोह नगर पालिका के द्वारा लगातार ही मनमानीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के चलते यहां पर लोगों को ठंड के समय भी अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही। ऐसे में दमोह नगर के लोग बिना अलाव के कचरा जला करके अपनी ठंड बुझाने में लगे हैं। रात के वक्त में जो घरों से बाहर रहते हैं, जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, दुकानदार होते हैं, उनको अलाव की व्यवस्था के लिए बीते समय में इस तरह की व्यवस्था की जाती रही है, लेकिन इस बार प्रशासनिक हीला हवाली और मनमानी के चलते इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा दमोह के वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धजनों के लिए भी नगर पालिका के द्वारा अलाव की व्यवस्था के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार वहां भी अलाव की व्यवस्था लकड़ियों की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोग भी परेशान हैं। वहीं लोगों का कहना है कि यदि नगर पालिका सक्षम नहीं है तो वह मुनादी करा दे, और ऐसा मुनादी कराए जाने के बाद समाज सेवी संस्थाएं अपनी ओर से व्यवस्थाएं करा देंगी। ऐसे में नगर पालिका की वर्तमान कार्यप्रणाली पर नगर के लोग ही सवालिया निशान लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जहां चुनाव आयोग के द्वारा अभी नगरीय निकाय के चुनावों को 2 माह और आगे बढ़ा दिया गया है, वहीं बिना जनप्रतिनिधि के चल रही नगर पालिका दमोह में प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी का दौर जारी है। कड़ाके की ठंड के इस दौर में भी लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में लोगों को कचरा जला करके ठंड मिटानी पड़ रही है। शहर के अनेक इलाकों में लोग कचरा जलाकर या स्वयं के व्यय पर लकड़ियां जला करके ठंड से बचने का प्रयास करते दिखाई दिए। वहीं नगरपालिका के प्रशासनिक अमले को कोसते भी नजर आए। लोगों ने यह भी बताया कि बीते वर्षों में लगातार ही इस ठंड के मौसम में लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था के लिए लकड़ियों की उपलब्धता कराई जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ किया नहीं गया। यही कारण है कि लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस ठंड के मौसम में जहां घर से बाहर निकलने वाले लोग, दुकानदार सहित अन्य लोगों को केवल अलाव ही सहारा होता है, लेकिन नगर पालिका की मनमानी के कारण लोग परेशान हैं। ठंड इस समय काफ़ी तेज़ है और देखा है कि पूरे शहर में नगर पालिका के द्वारा, जैसा कि विगत वर्षों में अलाव की व्यवस्था की जाती रही है, पर इस वर्ष कहीं भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। तो नगर पालिका से मेरा निवेदन भी है, अनुरोध भी है कि इस कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए अलाव एक बहुत उत्तम साधन होता है। अगर आप शहर के अलग अलग स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करा देते हैं तो इस ठंड से बचाव भी हो जाएगा। और जैसा कि मेरे एक मित्र ने बताया है कि वृद्धाश्रम में भी लकड़ी नहीं पहुंची है, तो उनसे मेरा भी निवेदन है कि वृद्धाश्रम में आवश्यक रूप से लकड़ियाँ पहुँचा दें। काफ़ी वृद्ध लोग वहाँ पर रहते हैं और वो लोग रहते हैं जो अपने घर से ठुकराए हुए हैं, और ऐसे लोगों को अगर हम और आप सहारा नहीं देंगे तो उनका फिर कौन है। और नगरपालिका की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और अगर नगरपालिका सक्षम नहीं है तो फिर सामाजिक संगठनों को बताएं तो हम लोग मिलकर वहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था करें और शहर में अलाव की व्यवस्था करें। मैं नगरपालिका से निवेदन करना चाहता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो अनाउंस कर दें पूरे शहर में, फिर सामाजिक संगठन मिलकर शहर में अलाव की व्यवस्था कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी काफ़ी ठंड पड़ रही है। पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ दमोह में भी बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन इस वर्ष देखा जा रहा है कि कहीं भी पूरे शहर में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ वृद्धाश्रम भी गया था, वहाँ के वृद्ध लोगों ने बताया है कि हर वर्ष यहाँ पर लकड़ियों की व्यवस्था की जाती थी हम लोगों के लिए, लेकिन इस बार अभी तक इतनी ठंड पड़ जाने के बाद भी लकड़ियों की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये देखा जा रहा है कि इस वर्ष कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। हम नगर पालिका से अनुरोध करना चाहते हैं कि पूरे शहर में अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि इस ठंड से निजात पाया जा सके।